गुड इवनिंग एवरीवन, नई वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैद्यनाथ कंपनी पंचा सब सीरप से रिलेटेड, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसकी MRP, कौन से बीमार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कब तक आप इसको ले सकते हैं, क्या आपके सब प्रिकॉशंस फॉलो करना है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, हम सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं बैद्यनाथ कंपनी पंचा सब सीरप किस लिए बनाई है, कौन से बीमारी में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों खासतौर पे यूज़ की जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्टोर करने के लिए। अगर किसी महिला को मासिक धर्म से जुड़ी कोई समस्या हो गई है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो कि दोस्तों एपेटाइट को इम्प्रूव करती है, भूख को बढ़ाती है। अगर किसी महिला को भूख कम लग गई, खाना खाने बिल्कुल मन नहीं करता, ना के बराबर भूख लगती है, या दोस्तों उसको जो बात करो एक वीकनेस देखी जा रही है बॉडी में, जैसे कि फैटिक देखा जा रहा है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, या उसको जैसे बात करो एक शरीर में जो है दर्द जैसे देखा जा रहा है और उसको इन्फ्लेमेशन जैसे देखी जा रही है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जो कि दोस्तों एक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और जो कि दोस्तों एक स्ट्रेस को भी दोस्तों ये दूर करती है। अगर किसी महिला को तनाव में जैसे रहती है, काफ़ी दोस्तों उनको स्ट्रेस रहता है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो कि दोस्तों ये ऐसी बीमारी में यूज़ की जाती है जो कि महिलाओं की हेल्थ के लिए बनाई गई है। और महिलाएँ सिरप को दोस्तों यूज़ करें। और इसकी क्या MRP है तो यहाँ थी 120 की, जो कि आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक फार्मेसी वहाँ से इसको ले सकते हैं। इस सिरप को महिलाएं कैसे यूज़ कर सकती हैं, अगर उनको ऐसे सिम्टम जैसे देखे जा रहे हैं तो इसके लिए क्या करें, पहले बोतल को सेक कर लें और इसमें 5 से 10 ml आपको इसमें सिरप यूज़ करना है और 5 से 10 ml आपको वाटर यूज़ करना है, जो कि खाने के आधे घंटे के बाद लेना है। गर्म पानी से यूज़ करें। और इसमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं दोस्तों, जो वुमेन प्रेगनेंट है, जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं, वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सो दोस्तों इसे कब तक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप थोड़ा कंटिन्यूस करें। डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कब से देखी जा रही है, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो 3 मंथ से देखी जा रही है या फिर 6 मंथ से देखी जा रही है, तो इसको 2 से 3 मंथ कंटिन्यूस करें, तभी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और थोड़ा अपने डाइट में चेंज करें, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें, हल्की डाइट लें और स्ट्रेस थोड़ा कम लें। गाइज मैंने सिरप की आप सभी को कंप्लीट नॉलेज दे दी है, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही मेरे बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। और तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी से दिल से धन्यवाद। इस वीडियो दोस्तों हमें यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।